हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगा एक सीरम के बारे में जो हमारी स्किन के झाइयाँ पिगमेंटेशन, हमारी स्किन के लिए कई ऐसी प्रॉब्लम है उसको छुटकारा पाने में काफ़ी हद तक फायदेमंद करेगा। क्योंकि गाइस, जो ये सीरम है बहुत अच्छे यूजफुल है, रियल बता रहा हूँ, बहुत अच्छे यूजफुल है और इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी यूज किए गए, ठीक है ना। मैं ऐसे ही बिल्कुल नहीं बता रहा, कोई कंपनी ने कोई पैसे दिए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी ने मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, मैं हमेशा मेरी वीडियो में सच्चाई बताता हूँ और हमेशा हिंदी में बताता हूँ जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। देखो गाइस, आज की वीडियो में बात करूंगा डर्माको रेटिनॉल सीरम के बारे में जो हमारी स्किन के लिए किस तरह से फायदेमंद होगी उसके बारे में आज की वीडियो में बात करूंगा। इसके यूज करने का तरीका, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और इसके बारे में, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूं। तो गाइस, इसके इंग्रेडिएंट्स का अगर इसके मुताबिक बात करता हूं, झुर्रियों को बिल्कुल कम करता है, हमारी स्किन का कई ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि हाइपर पिगमेंटेशन, हमारी स्किन का काले धब्बे और हमारी स्किन को रंगत को सुधारने में काफी हद तक फायदेमंद करता है। हमारे कोलेजन स्थिति को बढ़ाकर वह उसको नवीनीकरण करने में काफी हद तक फायदेमंद होता है। यह हमारे स्किन का मेलेनीकरण को बिल्कुल कम करता है, धीरे धीरे कम करने से हमारी स्किन का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और हमारी स्किन को अच्छी तरह से पुनर्जीवित करने में काफी हद तक फायदेमंद करता है। आपने ढेर सारी केमिकल क्रीम व सीरमों का यूज करा है, लेकिन गाइस आपको क्लियर बता देता हूँ, इसके अंदर ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया। आप इसको नॉर्मल स्किन पर भी यूज कर सकते हो या फिर आपकी स्किन झाइया पिंपल्स या दाग धब्बे उन पर भी यूज कर सकते हो, तो आपकी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होगा। और एक बात क्लियर कर देता हूँ, कई ऐसी क्रीम होती है जिसके अंदर हार्मफुल केमिकल यूज तो किया जाता है, लेकिन गाइस वो हमारी स्किन पर रिजल्ट दिखाने के साथ हमारी स्किन को ब्लैक करता है, लेकिन ये हमारे रिजल्ट दिखाने के बाद हमारी स्किन को इतना ज्यादा ब्लैक नहीं करेगा, हमारी स्किन को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रखेगा गाइस, ठीक है। बात करता हूं इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसके अंदर रेटिनॉल यूज कर, रेटिनॉल हमारी स्किन को पुनर्जीवित करने के साथ साथ हमारी स्किन को रजकता को सुधारने में काफी हद तक फायदेमंद करता है, जिससे हमारी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होने वाली बात है। देखो ना, रेटिनॉल ऐसा होता है कि हमारी स्किन को साफ करने में फायदेमंद करता है, पिगमेंटेशन को धीरे धीरे खत्म करता है, पिगमेंटेशन को वापस नहीं आने देता। कई क्रीमें होती है जो पिगमेंटेशन को हटाने के बाद वापस हमारी स्किन पर आना स्टार्ट हो जाता है छोड़ने के बाद, लेकिन इससे हमारी स्किन वापस बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर विटामिन सी यूज किया गया। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होता है। ये हमारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन के लिए काफी हद तक फायदेमंद होते हैं। ये हमारे स्किन को कई ऐसा गुण प्रदान करता है जिससे हमारी स्किन पर कई ऐसा हार्मफुल केमिकल भी हो तो हमारी स्किन पर असर नहीं दिखाता है। विटामिन सी हमारे स्किन के वह झाइयों को बिल्कुल खत्म करने का, हमारे पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए फायदेमंद होता है। विटामिन सी और रेटिनॉल ये दोनों मिलकर हमारी स्किन का रजकता को बिल्कुल साफ करता है। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, इनमें कई अच्छे गुण पाए जाते हैं, हमारी स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है। बात करता हूँ कौन कौन से स्किन पे ये सूट करेगी, आप इसको नॉर्मली कौन सी स्किन पे भी लगा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी स्किन पर पहले से कुछ साइड इफेक्ट्स है तो आप प्लीज डॉक्टर के सलाह लेकर यूज करें। बात करता हूँ कंपनी क्या क्लेम करती है, कंपनी तो बहुत कुछ क्लेम करती है, लेकिन गाइस मैं आपको बता, जो रियल सच्चाई होती है वही मैं हमेशा मेरी वीडियो में बताता हूँ, इसलिए आप हमेशा मेरी वीडियो को भी देखते हो और मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, उसके लिए थैंक्स गाइस, ठीक है। बात करता हूँ इसके यूज करने का सही तरीका, फेस वॉश आपकी स्किन को धो लेना, उसके बाद धीरे धीरे वे बूंद लेने के बाद आपको धीरे धीरे हल्कुलर मसाज में आपकी स्किन पर लगाना है बिल्कुल, उसके बाद नाइट में सोते समय इसको छोड़ देना, उठने के बाद वह धो लेना, उसके बाद सनस्क्रीन का यूज करना जिससे आपकी स्किन पर किसी पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और आपकी स्किन पर अच्छे तरह से मेंटेन बना रहेगा। दूसरा, आपकी स्किन रेड होती है, बिल्कुल भी आपकी स्किन रेड नहीं होती। बात करता हूँ साइड इफेक्ट्स के बारे में, जो गाइस पिंपल्स या फिर आपकी स्किन बिल्कुल लाल या फिर आपकी स्किन पर पहले से कुछ साइड इफेक्ट्स है तो प्लीज डॉक्टर की सलाह लेके यूज करना, नहीं तो आपकी स्किन पर किसी प्रकार कौन सा भी साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छी लगती लाइक करना, चैनल पर नहीं तो